महबूब मुस्तफा को खुदा ने बना लिया। नूरे मोहम्मदी से जहां को सजा दिया, महबूब मुस्तफा को खुदा ने बना लिया। अपने हरीम नाज में मेराज बख्श दी, अहमद अहद से मीम का पर्दा हटा दिया। अहमद अहद से मीम का पर्दा हटा दिया, क्योंकि सबसे अजीम अर्श का मेहमान रख दिया। सबसे अजीम अर्श का मेहमान रख दिया, सब नबियों में रसूल को जीशान रख दिया। अरे किरदार मुस्तफा का दिखाने के वास्ते अल्लाह ने अपने सामने कुरान रख दिया। अल्लाह ने अपने सामने कुरान रख दिया। नाते बाग का मतलब समाप्त करें। शक हो गया है कलमे की उंगली से माहता। चक हो गया है कलमे की उंगली से महताब। दोनों जहां में सरवरे दी का नहीं जवाब। दोनों जहां में सरवरे दी का नहीं जवाब। दोनों जहां में सरवरे दी का नहीं जवाब। ये कह रही है मोमिनो अल्लाह की किताब। ये कह रही है मोमिनो अल्लाह की किताब। ये कह रही है मोमिनो अल्लाह की किताब। खालिक ने खुद किया है मोहम्मद का इंतखाब। नबी नबी होके नबी है। शक हो गया है कलमे की उंगली से महताब। दोनों जहां में सरवरे दी का नहीं जवाब। ये कह रही है मोमिनो अल्लाह की किताब। खालिक ने खुद किया है मोहम्मद का इंतखाब। नबी नबियों के नबी हैं। बेशक ये हमारा ईमान है कि नबी नबियों के नबी हैं, क्योंकि कोई देखे तो क्या देखे भला जलवा मोहम्मद का। कोई देखे तो क्या देखे भला जलवा मोहम्मद का।
जमी पे जिस्म है और अर्श पे साया मोहम्मद का। कोई देखे तो क्या देखे भला जलवा मोहम्मद का, जमी पे जिस्म है और अर्श पे साया मोहम्मद का, क्योंकि खुदाई में अगर कुछ है तो है जलवा मोहम्मद का। खुदाई में अगर कुछ है तो है जलवा मोहम्मद का, और खुदा के नूर की पहचान है चेहरा मोहम्मद का। न जाने कितने काबे, न जाने कितने काबे बन गए होते अकीदत के, जमीन पे पड़ गया होता अगर साया मोहम्मद का। नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है। राख सवार जो हो करके तुम अर्श पे आवत जावत हो, राख सवार जो हो करके तुम अर्श पे आवत जावत हो, राख सवार जो हो करके तुम अर्श पे आवत जावत हो, राख सवार जो हो करके तुम अर्श पे आवत जावत हो, सवार जो हो करके तुम अर्श पे आवत जावत हो, राख सवार जो हो करके तुम अर्श पे आवत जावत हो। या रसूल अल्लाह, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है। या रसूल अल्लाह, नबी नबियों के नबी हैं। हाँ, ये गिरे देखिएगा सामने नजरा, तवज्जो चाहूंगा, खास तौर से गिरे पेश कर रहा हूं, मुलाजा करें और थोड़ा सुकून बना ले आप लोग। देखो बकरी के चरैया की भी क्या बात बनी, चरैया की भी क्या बात बनी, देखो बकरी के चरैया की भी क्या बात बनी, देखो बकरी के चरैया की भी क्या बात बनी, देखो बकरी के चरैया की भी क्या बात बनी, देखो बकरी के चरैया की भी क्या बात बनी। आप मुख्तार हैं, आप मुख्तार हैं मक्के के मदीने के धनी, आप मुख्तार हैं मक्के के मदीने के धनी, आप मुख्तार हैं मक्के के मदीने के धनी, देखो बकरी के चरैया की भी क्या बात बनी। आप मुख्तार हैं मक्के के मदीने के धनी, आप मुख्तार हैं मक्के के मदीने के धनी, आप मुख्तार हैं मक्के के मदीने के धनी। कुल नबी शोर से, कुल नबी शोर से कहने लगे अल्लाह हो गनी, कुल नबी शोर से कहने लगे अल्लाह हो गनी, कुल नबी शोर से कहने लगे अल्लाह हो गनी, कुल नबी शोर से कहने लगे अल्लाह हो गनी, के एक तस्वीर, अरे एक तस्वीर बनाई थी दोबारा ना बनी। नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी है, नबी नबी ओके नबी, नबी नबी ओके नबी।
नबी नबियों के नबी हैं। तवज्जो, नबी नबियों के नबी हैं। एक हदीस समाप्त करें। अली से अर्ज की, अली से अर्ज की, एक शख्स ने इसका सबब क्या है। अली से अर्ज की, एक शख्स ने इसका सबब क्या है कि कलमे में नबी के नाम को महाबाद रखा है। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों रखा गया। हजरत अली से एक शख्स आके कहता है तो हजरत अली इसको जवाब क्या देते हैं, मुलाजा करें। अली से अर्ज की, एक शख्स ने इसका सबब क्या है कि कलमे में नबी के नाम को माबाद रखा है। खुदा ने खुद को दी तरजीह तो फिर ये इश्क कैसा है, रखे माशूक को पीछे ये कब आशिक का शेवा है। अली ने इस तरह समझाया उस गुस्ताखे बेहद को, अरे नादान तू समझा नहीं इस राज अहजद को, नादान तू समझा नहीं इस राज अहजद को, अरे नादान तू समझा नहीं इस राज अहजद को। खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद को के ना पाकी में ना ले ले कोई नाम मोहम्मद को, पाकी में ना ले ले कोई नाम मोहम्मद को, के ना पाकी में ना ले ले कोई नाम मोहम्मद को। सुबह धुल जाए पहले नाम जब अल्लाह का निकले, धुल जाए पहले नाम जब अल्लाह का निकले, सुबह धुल जाए पहले नाम जब अल्लाह का निकले, फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह नबी नबियों के नबी है, नबी नबियों के नबी है, नबी नबियों के नबी, नबी नबियों के नबी है, नबी नबियों के नबी है, नबी नबियों के नबी है, नबी नबियों के नबी, नबी नबियों के नबी है, नबी नबियों के नबी, नबी नबियों के नबी है, नबी नबियों के नबी, नबी नबियों के नबी है, नबी नबियों के नबी, नबी नबियों के नबी है, नबी नबियों के नबी, नबी नबी होके नबी। अब आखिरी गिरे समाप्त कर लें। यार ये गिरे खास तौर से जरा मुलाजा करें। सरकार मदीना की क्या शान दिखाई दी, मदीना की क्या शान दिखाई दी, सरकार मदीना की क्या शान दिखाई दी, महबूब के हाथों में अल्लाह ने खुदाई दी, महबूब के हाथों में अल्लाह ने खुदाई दी, महबूब के हाथों में अल्लाह ने खुदाई दी, मलाल के जबी अपने सरकार के चाहिए, जन्नत है दूर क्या हुआ, रोजा तो पास है, गुलजार को करीब का गुलजार चाहिए। हजरत ये जो शेर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं अपने राबड़ी के शायर जनाब गुलजार कुरलवी साहब का है, बहुत उम्दा शेर।
शहीनशाह रावड़ी हजरत सरकार मापले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आज तीसरा रोजा रूहानी उर्स मुबारक नूरानी उर्स मुबारक आप मना रहे हम मना रहे। हजरत परसों आपने लंगर का मंजर देखा, कल शहजादा शहीद राह मदीना गुले गुलजार अशरफियत हजरत सैयद मोहम्मद हुसैन अशरफ साहब किबला के हाथों से दस्ते मुबारक से गुंबद की तामीर का इजरा किया गया। रब्बे करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला ये गुंबद का काम जल्द से जल्द बना दे। हजरत आज दोबारा गुले गुलजार अशरफियत पीरे तरीकत शहजादा शहीद राह मदीना की तशरीफ आवरी मापले शाह सरकार में हो रही है। इत्तेफाक दरगाह कमेटी की जानिब से तमाम राबोड़ी के बासिंदों के जानिब से मैं उनका इस्तकबाल खैर मकदम करता हूं। हजरात जैसा कि मैंने ऐलान किया था हमारे मेहमानों में हमारे मेहमान जनाब दिलीप वालिम्बे साहब राबोड़ी शिवसेना शाखा प्रमुख तशरीफ लाए हैं। हमारे कमेटी के सदर नासिरुद्दीन शेख से कहता हूं कि उनकी गुलपोशी करें। तपासे नगर के अगर कोई हो तो बराए करम आ जाए, उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं, उनकी भी गुलपोशी कमेटी की जानिब से की जा रही है। हमारे कमेटी के सदर प्रमुख हमारे राबोड़ी के इनकी गुलपोशी की जा रही है। महबूब भाई हमारे कमेटी के चेयरमैन ये नब्बू भाई की गुलपोशी कर रहे हैं। जो तख्ती थी मैंने पेश नहीं की, अब पेश करने जा रहा हूं, उसी के लिए मैंने नाप ली थी। लीजिए समाप्त करें। कोई कब मोहम्मद के जैसा शहे मदीना का
शहे मदीना को फरमान कर नहीं सकता, है ना, शहे मदीना का फरमान टल नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, शहे मदीना का फरमान टल नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, शहे मदीना का फरमान टल नहीं सकता, थोड़ा बढ़ा दे बेटा वॉल्यूम, शहे मदीना का फरमान टल नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, मैं नहीं कहता, कुरान पाक कहता है कि वली मुर्दा नहीं होते, मैं नहीं कहता, कुरान पाक कहता है कि वली मुर्दा नहीं होता, मगर कुछ लोग मुर्दा हैं जो उन्हें मुर्दा समझते हैं और मजारों के मुकद्दस पर वही चादर चलाते हैं, समझ वाले दिन को जिंदा समझते हैं, कुछ लोग तो कुरान की तफसीर बदलते हैं, कुछ लोग तो कुरान की तफसीर बदलते हैं, कुछ लोग हदीसों की तस्वीर बदलते हैं, लेकिन मोमिन की हकीकत का बस इतना फसाना है कि हम जिक्र मोहम्मद से तकदीर बदलते हैं, शहे मदीना का फरमान कर नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, यकीन जानिए कुरान बदल नहीं सकता, कर रहा हूं, इसके लिए मैंने नाता पाक पढ़ी है, रस्म गुलपोशी के लिए रुक गया था मैं, ये तख्ती सुन लीजिए, जितने मेरे बच्चे नौजवान बेटे हैं उनसे भी तवज्जो चाहूंगा, तमाम सामईन से भी, बुजुर्ग हस्तियों से भी, इमाम हुसैन का बचपन और हजरत उमर की बादशाहत का जमाना, आपके साहबजादे अबू शहमा, हजरत उमर के बेटे अबू शहमा और इमाम हुसैन, दोनों का बचपन है, बचपन है, दोनों की मुलाकात होती तो क्या होता है, इसको ज़हन में रखिए, आप नबियों के नबी हैं, और सुनिए, दोनों सुन लीजिए इसको, हजरत उमर के दौर खिलाफत का वाक़िया सुनिए, इसको कसम
कसम खुदा की आप लोग याद रखेंगे, हजारों साल याद रखेंगे, मैं रहूं या ना रहूं। हजरत उमर के दौर खिलाफत का वाकया सुनिए हुजूर, तुमको सुनाता हूं मैं जरा। बच्चा था उनका एक हंसी और लाडला, हजरत उमर की आंखों का प्यारा था दिल का चैन। एक रोज रास्ते में मिले आपसे हुसैन, उस कमसिनी में दोनों का जब सामना हुआ, बाद सलाम खेलने का मशवरा हुआ। कुछ खेल खेलते हुए उलझन सी हो गई, दोनों के लाल मुंह हुए आपस में ठन गई। बोले हुसैन किस तरह को बदल गया है, मालूम है तुझे तो हमारा गुलाम है, मालूम है तुझे तो हमारा गुलाम है, मालूम है तुझे तो हमारा गुलाम है। बच्चे के सुन के जोश में कुछ ना रही खबर, बोला कि मेरे बाप भी सुल्तान है उमर। मैं बादशाह का लड़का हूँ ताजीम मेरी कर, मैं बादशाह का लड़का हूँ ताजीम मेरी कर, वरना मैं अपने बाप को दूंगा तेरी खबर। क्या हुसैन तुमने मुझे गुलाम कह दिया, मैं अपने बाप से कहूंगा। तो इमाम हुसैन क्या कहते हैं, बोले हुसैन जाओ, बोले हुसैन जाओ, अभी बाप से कहो, तुमको कसम है कहते हुए हमसे ना करो। बच्चे ने जाके बाप को किस्सा सुना दिया, हमें हुसैन ने नीचा दिखा दिया, हमें गुलाम कह दिया हुसैन ने, हमें गुलाम कह दिया अब्बा जान हुसैन ने। बोले तुम ये बेटे से जाके बोलना, जो कुछ कहा था आपने लिख दीजिए। बच्चे ने जाके फिर यही हुसैन से कहा, जो कुछ कहा था आपने लिख दीजिए। अगली गिरे समाप्त करें, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमसे उलझना, सुन लीजिए, हम गरीब नवाज के दीवाने हैं, वलियों के दीवाने हैं। हमसे उलझना खेल नहीं है, हमसे उलझना आ, 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 आ,
जो भी खिलाफ हमारे होंगे मिट्टी में मिलकर जाएंगे, क्योंकि हम ख्वाजा के दीवाने हैं, हम वलियो मापले शाबाबा के दीवाने हैं कि अंगुश्त नुमाई ठीक नहीं ख्वाजा के मापले शाह बाबा के दीवाने पर, अंगुश्त नुमाई ठीक नहीं ख्वाजा के किसी दीवाने पर, अंगुश्त नुमाई ठीक नहीं मापले शाह बाबा के किसी दीवाने पर, उतना ही ये जज्बा उभरेगा जितना ये दबाया जाएगा, है ना? क्योंकि दाल दीवाना हुआ है ये से जिसकी याद में, दाल दीवाना हुआ है ये से जिसकी याद में, वाव से वो ही समझता है कि दीवाना हूं मैं, और है अलिफ अजमेर का दीवानगी के बीच में नून के नुक्ते की अजमत कोई पहचाना नहीं। मुलाजा कर, ये गिरे खासों से दे रहा हूं। दीन के दुश्मन लाख भी उभरे, 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 सर पे ख्वाजा का है साया।